जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय सेना के अंदर आरटीजी शो यानी कि धर्म गुरु का जो अभी भर्ती चल रहा है उसका जो फेज टू है उसके अंदर आपकी क्या क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है धर्म गुरु आरटीजी शो का जो रिजल्ट वो कल की डेट में आ चुका है और जो बच्चे जो कैंडिडेट क्या है जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं है ना आगे फेज टू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो बात करेंगे कि जो अब आपका फेज टू है तो फेज टू के अंदर आपकी क्या क्या कार्रवाई होगी। ठीक है ना, इंडियन आर्मी आरटीजी शो 2023 ठीक है फेज टू में दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट रैली, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट रैली जिसमें आपका फिजिकल, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट प्लस फिजिकल में आपका रनिंग, आपका बीम, आपका जिग जैग और आपका 9 फीट रीच ये होगा। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट क्या है आपका, मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है आपने वहां पे लेके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका फिजिकल रनिंग। आपका जो रिक्रूटमेंट रैली है वो कब से स्टार्ट है, 17 जुलाई से दोस्तों आपका फिजिकल स्टार्ट है। जोन वाइज आपका जो एआरओ है किस जोन में आता है, किस जेडआरओ में आता है, वो जोन के हिसाब से क्या है आपका 17 जुलाई से फिजिकल स्टार्ट है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट अपने फिट कर लें, अपने जितने भी एजुकेशन से संबंधित हैं, आपके निवास प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, कोई भी जो आपने वहाँ पर लिखा हुआ है पूरा आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, ठीक है, साथ ही अपने रनिंग की तैयारी कर लें। 17 जुलाई से स्टार्ट है और अगले साल फरवरी तक इसका फिजिकल होगा। ठीक है ना, फिजिकल होगा और जो इसकी पूरी जानकारी है उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो एआरओ है आपका फिजिकल कब होगा। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका क्या होना है फेज टू में दोस्तों, आपका क्या होना है रैली डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट प्लस रनिंग, ठीक है ना, उसके बाद जो आपका जो फिजिकल में पास हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका लास्ट में क्या होगा इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, तो ये इंटरव्यू होता है दोस्तों, अपनी उसकी भी तैयारी रखें आप इंटरव्यू की, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो आपका धर्म है, मान लीजिए जिस धर्म से आपने पंडित जी से भरा है, आपने मौलवी से भरा है ना, पादरी से भरा है ना, या फिर जिससे भी आपने भरा है, तो उससे संबंधित आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। कहाँ पे होगा इंटरव्यू, एमईजी सेंटर बेंगलोर, ठीक है ना, मद्रास इंजीनियर ग्रुप के जो सेंटर है बेंगलोर में वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और दूसरा कहाँ होगा, 39 GTC गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जो है वाराणसी में, इन दोनों पे जगह पे क्या है, जो रनिंग में फिजिकल फेज टू में जो बच्चे पास होंगे उनका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, इन दोनों जगह पे होगा। ठीक है ना, तो सभी बच्चे क्या है फिलहाल अभी फेज टू की तैयारी रखें, फेज टू की अपनी तैयारी करें और डॉक्यूमेंट तैयार करें, अपना फिजिकल अच्छा करें, और किसी भी जो उम्मीदवार है आरटीजी शो का धर्मगुरु का, अगर उसको फिजिकल से संबंधित डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का उसके मन में डाउट है तो कभी भी क्या है मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।